हेलो फ्रेंड, एमएस क्लासेस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और डेली अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, एमएस क्लासेस चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एक बार फिर से स्वागत ओके। आज जो टॉपिक लेके आया हूँ आपके पास वो है, यहाँ ऑलरेडी मेंशन कर रखा है मैंने, कुत्ता बिल्ली से संबंधित छलांग वाला प्रश्न। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है एसएससी रेलवे बैंकिंग से लेके जितने भी हैं यूपीएससी बीपीएससी आप जो भी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी पे ये कम पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है मैं अपने स्टूडेंट लोग के डिमांड पे यहाँ पे अपलोड किया हूँ। ठीक है, तो इससे आप लोगों को भी बहुत हेल्पफुल होगा। इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपके सामने लाया है। इसमें दो प्रकार का क्वेश्चन, किस टाइप का, पहला छलांग जो भी है उसका चाल का अनुपात कितना होगा, दूसरा कि उसका कितने छलांग में कुत्ता बिल्ली को पकड़ लेगा। दो प्रकार का क्वेश्चन है। तो टाइप वन में पहले मैंने क्वेश्चन लिया है, उसको यहां देखिएगा। टाइप वन में क्या है, एक कुत्ता बिल्ली का पीछा करना प्रारंभ करता है, जितने समय में कुत्ता पांच छलांग लगाता है उतने समय में बिल्ली छह छलांग लगाती है, तथा कुत्ता का चार छलांग बिल्ली के पांच छलांग के बराबर हो तो कुत्ता बिल्ली के चाल का अनुपात कितना होगा। बाबू ऐसा क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है इसमें, इसमें तो पहले तो जो जानवर दिखा हुआ है उसको पहले यहां पे लिख देते हैं, कुत्ता और बिल्ली। अब कुत्ता और बिल्ली का जो भी कंटेंट यहां से कलेक्ट करना है कर लीजिए, यानी कि इसका इंफॉर्मेशन किस साइड, इसका इंफॉर्मेशन किस साइड। चलिए अब यहां पे देखते हैं, जितने समय कुत्ता पांच छलांग लगाता है तो कुत्ता पांच छलांग लगाता है उतने समय में बिल्ली कितना छलांग लगाती है, छह छलांग, तथा कुत्ता का चार छलांग तो चार इस साइड, बिल्ली के पांच छलांग के बराबर होते हैं तो बिल्ली के पांच इधर। अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इससे चाल पता चल जाएगा। तो इसका क्या होगा पापा जी, 25 और 6 चौके 24। ठीक है, आपका आंसर हो गया। अगर आप बाय द वे गलती से एरो को ऐसे कर दीजिए, गलती से एरो ऐसे हो जाए तो अपन भी कोई बात नहीं है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कोई जरूरी नहीं कि ये इंफॉर्मेशन ऊपर हो ये इंफॉर्मेशन नीचे हो सकता है क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन पहले देता और ये इंफॉर्मेशन नीचे देता, तब तो आपका क्वेश्चन उल्टा हो जाता। तो आपको डरना नहीं है। जैसे बाय द वे हमने क्या किया, इसको नीचे ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे समझिएगा इसको, ये पहले वाला क्वेश्चन है, इसको यहाँ पे बना देते हैं हम वापस। अगर ये वाला इंफॉर्मेशन अगर पहले दिया रहता क्वेश्चन के अनुसार से तो 4:5 लिखते हैं, और ये इंफॉर्मेशन नीचे दिया रहता तो 5:6 लिखते हैं। इधर होता है डॉग और इधर कैट। ठीक है, तो इसको ऐसे अभी भी हम क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊपर मारे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया 6 चौके 24 और यहाँ हो गया 25। अब यहाँ देखिएगा रेशियो उल्टा हो गया, तो रेशियो उल्टा हो गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपका जो जानवर तेज दौड़ता है उसका चाल भी ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ कुत्ता तेज दौड़ता है तो कुत्ता का चाल ज्यादा है, यहाँ कुत्ता के सामने 24 आया है, तो घबराइए मत। आपका जो ज्यादा होगा वही जानवर का, यानी कि जो ज्यादा तेज दौड़ता है उसका ज्यादा ही वाला होता है। तो इसमें क्या करेंगे, हम खुद से अपने ले लेंगे कुत्ता का 25 और कैट का यानी बिल्ली का 24। ठीक है, तो ये हो गया आपका। चलिए अब समझिए आगे होगा कि एरो ऊपर कीजिए या नीचे कीजिए, आपको उससे मतलब नहीं है, लेकिन सही डायरेक्शन आपका है क्या, नीचे से ही ऊपर जाना है हमेशा। गलती से भी बाय द वे ऐसे हो जाए और कुत्ता का 24 आ जाए तो घबराइए मत, आप अपने मन से उसको क्या करेंगे, जो जानवर तेज दौड़ेगा उसको ज्यादा वाला ले लेना। ठीक है, बाकी का 2-3 क्वेश्चन अभी और मैं दे रहा हूं। चलिए ये सेकेंड क्वेश्चन आपको बनाना है, इसको क्या करना, वीडियो को पॉज करिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए हमसे पहले। आई होप कि इतना में आपका आंसर भी आ गया होगा। चलिए देखते हैं अब इसको, इसमें क्या दिया हुआ है, एक चूहा बिल्ली के चार छलांग के साथ पांच छलांग लगाता है। ठीक है, लेकिन बिल्ली का तीन छलांग चूहे के चार छलांग के बराबर है तो उनका चाल का अनुपात क्या होगा। तो बस ऐसा कर देना है, तो ये आपका इसका इधर 5 से 15 इधर जाएगा, 15 ये एरो इधर जा रहा है तो 4 छोटे 16। अब देखिएगा बिल्ली के सामने आया 16, चूहा के सामने 15, यानी बिल्ली का क्या 16 और इसका 15, यानी कि आपका ये
चूहा और बिल्ली का अनुपात दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में रहता बिल्ली और चूहा का अनुपात तो इसको चेंज कर लेते। आई होप कि अच्छा से आप बन गया होगा आप लोग से भी। चलिए एक थर्ड क्वेश्चन, इसको भी जल्दी से आप लोग कॉपी उठाइए और बना दीजिए। चलिए ओके, देखते हैं आप, उम्मीद करते हैं कि आप लोग से बन गया होगा, ठीक है, और नहीं भी बना है तो कोई बात नहीं, डरिए मत। अब यहाँ पे फिर से मैं देखता हूँ, ठीक है, एक कुत्ता एक खरगोश, तो सबसे पहले तो जानवर का नाम लिख दीजिए, कौन कौन जानवर इसमें इन्वॉल्व है। चलिए एक कुत्ता एक खरगोश का हो गया, कुत्ता का क्या है, एक कुत्ता एक खरगोश की चार छलांग के एवज में, खरगोश के चार छलांग के एवज में छह छलांग लगाता है, सॉरी उल्टा दिया हुआ था, एक कुत्ता एक खरगोश के चार छलांग के एवज में छह छलांग लगाता है, उस कुत्ते की दो छलांग, कुत्ते की दो छलांग खरगोश के पांच छलांग के बराबर है, ठीक है बराबर, तदनुसार उन दोनों की गति का अनुपात कितना होगा, तो कितना हो गया, छह पचे तीस, चार दूनी के आठ, तो ये कटा तो कितना हुआ पंद्रह और ये चार, यानी कि देखिए कुत्ता के सामने अभी भी ज्यादा है और खरगोश के सामने कम, यानी कि 15:4, ठीक है, 15:4, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट कीजिएगा, एक शिकारी कुत्ता एक खरगोश का पीछा किया, चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन भी आप लोग से बन गया होगा, एक शिकारी कुत्ता एक खरगोश का पीछा किया, ठीक है, खरगोश के छह छलांग, खरगोश के छह छलांग, जितनी देर में खरगोश छह छलांग मारता है उतनी देर में कुत्ता पांच छलांग मारता है, यदि कुत्ता का तीन छलांग खरगोश के चार छलांग के बराबर है तो उनकी चार का अनुपात क्या होगा, फिर से वही काम कीजिए, ये आपका हो गया 20, ये हो गया 18, कटेगा तो कितना होगा 10 और ये 9, तो आपका आंसर 10:9। आई होप कि बहुत अच्छा से समझ में आया, जिंदगी में दोबारा ऐसा क्वेश्चन कभी आपसे नहीं छूटेगा, अगर एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया तो सारा क्वेश्चन ऐसा ही बनता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं टाइप टू का क्वेश्चन, यहाँ देखिएगा टाइप टू का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, टाइप टू में थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि इसमें चाल का अनुपात नहीं पूछता, इसमें चाल का अनुपात नहीं पूछता, इसमें पूछता है क्या, कुत्ता कितने जंप मारेगा तो खरगोश को जाके पकड़ देगा, ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हल्का सा अगर आप समझिएगा ध्यान दीजिएगा तो ये भी आपसे बन जाएगा। चलिए इसको समझते हैं, एक खरगोश जितने समय में छह छलांग लगाता है, एक खरगोश जितने समय में छह छलांग लगाता है कुत्ता चार छलांग लगाता है, ठीक है, खरगोश का एक छलांग, खरगोश का एक छलांग 2 मीटर की दूरी, खरगोश एक छलांग में 2 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि कुत्ता एक छलांग में 5 मीटर की दूरी तय करता है, दोनों एक ही छलांग में है, ठीक है, इनके बीच का आरंभिक दूरी 12 मीटर, देखिएगा येलो कलर से मैंने जो मार्क करके रखा है 12 मीटर, जो दूरी 12 मीटर दिया हुआ है इसमें, यही आपका क्वेश्चन को चेंज करेगा, क्यों, क्योंकि खरगोश पहले ही 12 मीटर की दूरी पे खड़ा था और जैसे ही कुत्ता उसको दौड़ने लगा उसकी तरफ दौड़ा, खरगोश भागना चालू कर दिया, ठीक है, 12 मीटर ऑलरेडी पहले से था, तो खरगोश को पकड़ने में कुत्ता कितना छलांग लगाएगा, तो बाबू एक सवाल को अच्छा से समझ लीजिए, वीडियो लंबा जाए लेकिन आपको अच्छा से समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है, यहां पे समझते हैं, कुत्ता एक छलांग में 5 मीटर चलता है तो चार छलांग में कितना चलेगा 20 मीटर, अब यहां चलते हैं खरगोश है, एक छलांग में 2 मीटर चलता है तो छह छलांग में कितना चलेगा 12 मीटर, ठीक है, तो ये 12 मीटर आइए 20 मीटर ये 12 मीटर, तो दोनों के बीच में अंतर कितना है, अंतर हो गया 8 मीटर का, देखिएगा ये 8 मीटर का अंतर कब होता है, जब चार छलांग कुत्ता लगाता था तब ना, क्वेश्चन के अनुसार चार छलांग जब लगाता था कुत्ता तो 8 मीटर का अंतर पे रुकता था, ठीक है, तो कितना छलांग लगाएगा कि वो 12 मीटर को पकड़ लेगा, यानी कि 8 मीटर का अंतर में चार छलांग से पकड़ता था, तो चलिए इसको देखते हैं, 8 मीटर का, 8 मीटर का अंतर आता है चार जंप में, कुत्ते का चार जंप में, तो एक आएगा 4/8 यानी कि 1/2, ठीक है,
तो 12 मीटर का अंतर को खत्म करना है। ये क्या ना 8 मीटर का अंतर खत्म होता है चार जंप से, ठीक है। तो 12 मीटर का अंतर कैसे खत्म होगा, 1/2 × 12 यानी कि 6 जंप, आपका आंसर 6 जंप, यानी कि खरगोश को, कुत्ता जो है खरगोश को 6 जंप में पकड़ लेगा, ठीक है। ये हो गया, चलिए अगर समझ में आया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और हमसे पहले बनाने का कोशिश कीजिए, अगर नहीं बने वापस वीडियो को बैक कीजिए और फिर से देखिए और फिर से बनाइए, लेकिन बनाइए अपने से अगर सीखना है तो, नहीं तो फिर टाइम पास ऐसे ही रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक खरगोश एक कुत्ते से 70 छलांग आगे, देखिएगा यहाँ पे येलो कलर का जो आपको मार्क करके मैंने लगाया 70 छलांग, यही क्वेश्चन को पहले ही से खरगोश जो ना कुत्ता से 70 छलांग आगे है। अब कहानी अब चालू होता है इसका। एक खरगोश कुत्ते से 70 छलांग आगे था, जितने समय में कुत्ता 4 छलांग लगाता है, जितने समय में कुत्ता का इन्फॉर्मेशन कुत्ता के साइड 4 छलांग लगाता है, उतने समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है, किंतु खरगोश की 1 छलांग 2 मीटर के बराबर है और कुत्ते की 1 छलांग 3 मीटर के बराबर है, ठीक है। अब देखते हैं 1 छलांग में 3 मीटर तो 4 छलांग में 12 मीटर, 1 छलांग में 2 मीटर तो 5 छलांग में 10 मीटर, ये दोनों का अंतर कितना आता है 2 मीटर का, ठीक है। याद रखिएगा ये अंतर आया 2 मीटर का, 2 मीटर का यानी कि इस 2 मीटर का अंतर को कितने से खत्म करता है 4 से, यहां समझिएगा 2 मीटर के अंतर को खत्म होता है 4 से। तो आपको पूछ रहा है कि 70 छलांग जो आगे है वो अंतर कितना से खत्म होगा, तो 70 छलांग को पहले इसको चेंज कर दीजिए, 4/2 यानी कि 2, यानी ठीक है 2 जंप, ठीक है। अब क्या करना, 70 को डिस्टेंस में लाइए, कितना डिस्टेंस वो आ गया, चूंकि सब मीटर में दिया हुआ था तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन मीटर में लाना होगा, क्यों ये मीटर में है, ये मीटर में है, तो यहाँ पे 70 नहीं लिख के क्या करेंगे, 1 छलांग में 2 मीटर भागता है ना, तो 70 छलांग में 140, अच्छा इसको भी इतना मिल गया है, 140 कितना होगा 2 × 140 यानी कितना 280 जंप, यानी 280 छलांग में क्या करेगा, कुत्ता खरगोश को पकड़ देगा, ओके। आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आपके लिए लेके आया हूं, ज्यादा क्वेश्चन इसलिए आपको बनवा के दिखा रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, कितने का होता है एक क्वेश्चन में कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो वो क्या करता है दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन में, ठीक है। अब ये आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है, इसको देखिए, इसको क्या कीजिए वीडियो पॉज कीजिए फिर से बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए यहां पे आप देखते हैं, एक खरगोश एक कुत्ता से अपनी छलांग से 300 छलांग आगे है, ऑलरेडी 300 छलांग आगे वो कहीं बैठा हुआ था, ठीक है। जितने समय कुत्ता 5 छलांग लगाता है उतने समय में खरगोश 6 छलांग लगाता है, कुत्ते का 1 छलांग 3 मीटर के बराबर है और खरगोश का 1 छलांग 2 मीटर के बराबर है, तो फिर से वही काम 5 × 3 = 15, ठीक है। 1 छलांग में 3 तो 5 छलांग में 15, 1 छलांग में 2 तो 6 छलांग में 12, ये दोनों का अंतर कितना 3 मीटर का, ठीक है। 3 मीटर का अंतर कब खत्म होता है, जब इसको 5 छलांग लगाता है, ठीक है। यानी कि ये क्या था शुरू में 3 मीटर का अंतर का ये सब सेट है, यानी 3 मीटर का अंतर खत्म होता है 5 से, 3 मीटर का अंतर खत्म होता है कुत्ते का 5 छलांग से, तो 1 मीटर का खत्म होगा 5/3, ठीक है। तो ये ऑलरेडी कितने छलांग दूरी पे है, समझ आ रहा है, 300 छलांग आगे था, तो 300 को डिस्टेंस में चेंज करेंगे, 1 छलांग में 2, खरगोश आगे है ना, ठीक है। तो 1 छलांग 2 यानी 300 छलांग आगे तो 600 मीटर आगे है, तो 600 मीटर का डिस्टेंस खत्म होगा कितना से, 5/3 × 600, ये इसको काटेगा कितना से, इतना यानी क्या 1000 जंप, यानी 1000 छलांग जब मारे कुत्ता तो खरगोश को पकड़ देगा कंप्लीटली। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अगर ये वीडियो मेरा आपको किसी ने कहीं हेल्प हो रहा हो पढ़ाई में तो हमारी इस वीडियो को लाइक करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे, सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, क्योंकि मैं अपना जितना भी मैथ को जो भी क्वेश्चन हो ना वो रेशियो मेथड से ही बनाता हूँ, तो रेशियो मेथड सबसे बेस्ट तरीका है, आपको हेल्प करेगा। ओके थैंक यू।